हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। आज हम डिस्कस करने वाले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड के बारे में। नॉट ओनली हम इसके स्टॉक को डिटेल्स में एनालिसिस करेंगे, इसके टेक्निकल्स को देखेंगे, आने वाले टाइम में क्या टारगेट हो सकता है उसको भी एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। आज जो स्टॉक का प्राइस है वो 1% डाउन है, 52.40। एंड अगर 52 वीक हाई देखें, ऑलमोस्ट 70 रुपीज का हाई है, 52 वीक लो 29.80। यानी स्टॉक अपने 52 वीक हाई एंड 52 वीक लो के बीच है। एनालिस्ट बहुत ज्यादा बुलिश है दिस पर्टिकुलर स्टॉक। दिस पर्टिकुलर स्टॉक डजंट हैव एनी पी, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जीरो है, क्योंकि इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी। लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने लॉस शो किया था। अगर मार्केट कैप देखें 32,552 करोड़ का मार्केट कैप है, यानी मार्केट कैप वाइज दिस इज नॉट अ स्मॉल कैप कंपनी। अगर इस पर्टिकुलर कंपनी के कुछ और इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स को देखें, तो सबसे पहले हम इस पर्टिकुलर कंपनी के प्रोमोटर्स होल्डिंग को देख लेते हैं, यानी शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिसमें प्रोमोटर्स के पास इस पर्टिकुलर कंपनी का 36.52% स्टेक है। एंड अगर हम पब्लिक होल्डिंग देखें 34.32, यानी पब्लिक होल्डिंग यानी रिटेल इन्वेस्टर बहुत ज्यादा स्टेक है। एंड अगर हम एफआई का स्टेक देखें 14.76, डीआई का 14.39, यानी डीआई एफआई का होल्डिंग भी मिले जुले, बट पब्लिक होल्डिंग इज टू मच। अगर इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करें, एंड टेक्निकल सबसे इंपॉर्टेंट जो पैरामीटर्स होते हैं वो आरएसआई एंड एमएफआई इंडेक्स, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एंड मनी फ्लो इंडेक्स। अकॉर्डिंग टू आरएसआई इंडेक्स 66.3 का स्कोर है, अकॉर्डिंग टू एमएफआई इंडेक्स 74.8। स्टॉक इज ओवरबॉट, ऑल्दो स्टॉक 52 वीक्स हाई के बिल्कुल भी करीब नहीं है, एंड टुडे स्टॉक इज गिविंग अ नेगेटिव रिटर्न। इंस्टेड ऑफ दैट आरएसआई में ऑलमोस्ट 70 के करीब है, यानी 70 के ऊपर स्टॉक ओवरबॉट होता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड। एंड एमएफआई में तो ऑलमोस्ट 75 का स्कोर है। इसके पीछे जो रीजन है वह स्टॉक का जो रिटर्न है 1 वीक का वो 8.87%, 1 मंथ का 12%, 3 मंथ का 3%, यानी लास्ट 1 मंथ का रिटर्न अच्छा खासा है। एंड 1 वीक में भी स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, हालांकि आज थोड़ा नेगेटिव है, बट फिर भी रिटर्न ज्यादा होने के कारण एमएफआई में स्टॉक ओवरबॉट है। अगर इसका हम सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को भी देखें, सो स्टॉक अपने ऑलमोस्ट सारे सिंपल एंड एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज के ऊपर है। बट अगर हम 200 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज को देखें, सो 100 का जो मैक्सिमम है वो है 50.6 एंड 200 का 52.9। स्टॉक इसी पर्टिकुलर रेंज पे कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आज का क्लोजिंग 52.8 के नीचे होता है, सो देन इट्स अ नेगेटिव साइन, क्योंकि 200 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज के नीचे का स्टॉक जाता है, सो उसमें बेयरिश इंडिकेशन आते हैं। इन दैट केस 48-46 जो आपके आने वाले टारगेट हो सकते हैं, या फिर 50 जो कि 100 सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है, बट 52 के ऊपर जब तक स्टॉक क्लोजिंग देता है, यानी 53-54, दैट इज अ गुड साइन, बिकॉज एनालिस्ट का यह कहना है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे इन दिस पर्टिकुलर क्वार्टर। एंड अगर रिजल्ट अच्छे है तो बहुत ज्यादा रिरेटिंग भी स्टॉक में हो सकता है। एट दैट मोमेंट देयर इज नो पर्टिकुलर लेवल, नीचे की तरफ सबसे दूर का जो सपोर्ट है वो 47 का है, देन 48.6 एंड 50.6 जो के इस स्टॉक का 100 डे 50 डे 30 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज है। ब्रेकआउट कहाँ पे, एज आई सेड 53 इज अ 200 डे सिंपल एंड एक्सप्रेशन मूविंग एवरेज, सो 54 के ऊपर अगर स्टॉक जाता है सो इसमें ब्रेकआउट आएगा, देन 55-57 दीज आर द रेजिस्टेंस, एंड साइकोलॉजिकली 60 इज द रेजिस्टेंस फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। अगर हम इस पर्टिकुलर कंपनी के पीयर्स के साथ कंपेयर करें, सो एज वी नो एचडीएफसी आईसीआईसीआई कोटक आर द मार्केट लीडर, बट आईडीएफसी बैंक जिसका मार्केट कैप 32,800 के ऊपर है, इट्स अ लॉस मेकिंग कंपनी, सो इसका कोई पी नहीं है। आरओसी 6.27 इज ऑल्सो वेरी डिसेंट। अगर रिजल्ट देखें, सो जो इस पर्टिकुलर कंपनी का कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, जून का, सितंबर का रिजल्ट अभी आया नहीं, इन दिस पर्टिकुलर थिंग रेवेन्यू 4089 का है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स नेगेटिव 865 करोड़, एंड जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव 621 करोड़ है, जो कि लास्ट क्वार्टर में 137 करोड़ था। सो लास्ट क्वार्टर यानी जून के रिजल्ट बहुत ही खराब थे। अगर हम स्टैंडअलोन रिजल्ट को भी देखें, सो स्टैंडअलोन कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 4089 करोड़, एंड जो लॉस था 630 करोड़, यानी रिजल्ट्स आर वेरी बैड। एंड जो एनपीए था वो 4.61 था, नेट एनपीए 2.32, कंपेयरिंग टू प्रीवियस क्वार्टर नेट एनपीए भी बढ़े, ग्रॉस एनपीए भी बढ़े। जो नेट एनपीए का 2.32 का फिगर है बहुत ही खराब है, क्योंकि जो एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका जो एनपीए लेवल है नेट आफ्टर द रिजल्ट वो 1% के करीब है। सो इसको बहुत ही अपने एनपीए को घटाना पड़ेगा, देन ओनली स्टॉक में अच्छा खासा रिरेटिंग आने के पूरे चांसेस है। अदरवाइज रिजल्ट तक वेट कीजिए, रिजल्ट अच्छे होते सो ऊपर की तरफ जाएगा, रिजल्ट खराब होते हैं तो स्टॉक फिर से करेक्ट हो सकता है, एंड रिजल्ट मिले जुले होते सो ऊपर जाके भी करेक्शन हो सकता है। ये था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को लेकर मेरा एक एनालिसिस। वीडियो इंफॉर्मेटिव अच्छा लगे, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन गुड बाय।